डिफरेंशिएबिलिटी। अरे आसपास वालों का तो मेरे को लगता है कि शायद एमओडी भी खत्म हो गया। नहीं हुआ अभी तो चलो आप बाद में करते हैं अपन सारी बात। लिखिएगा फटाफट से डिफरेंशिएबिलिटी में पहला टॉपिक डेरिवेटिव। डेरिवेटिव हाँ बिल्कुल नया पेज ऑब्वियस सी बात है। हाँ नहीं वो एक ही हमारे लिए। हाँ भाई लिखेगा फटाफट से डेरिवेटिव चालू करें भाई। देखिए सब डेरिवेटिव का मतलब समझ लेना भाई। पहली चीज ये याद कर लें कि डेरिवेटिव इज इक्वल टू डिफरेंशियल कोफिशिएंट। डिफरेंशियल कोफिशिएंट सबसे पहले आदमी भाषा पे काबू करता है कि कोई बड़े बड़े गिटर पिटर शब्द बोल करके उसको हैरान ना कर दे। कौन बहुत सी बकवास सी बात को इतने अच्छे तरीके से पेश किया ठीक है ना। वो जैसे मेनू में होता है ना बाद में आपको बता रहा है साला छाछ दिए इसने इतनी देर छाछ देके गया ये बेवकूफ क्या बोल रहा था पता नहीं मेरे को समझ नहीं आया वो व्हाइट कलर का ये और वो विद गार्निश दिस दैट और ये छाछ दिए से। तो आपको सबसे पहले क्या भाषा पे काबू करना पड़ता है ठीक है। हाँ ताकि आपको कोई 500 रुपए की चेपी ना लगा दे समझ रहे ना। हाँ ठीक है। अरे ये क्या 500 की चेपी लगा गया तो कुछ नहीं मिला छांस देके गया 500 रुपए में ठीक है। हाँ वो पता नहीं एक जलता हुआ ऐसा धुआं धुआं फैला के लाते हैं बाद में ये चावल सीजलर हाँ ये 350 रुपए के एक कटोरी चावल एक कटोरी चावल 350 के। हाँ अच्छा चलिए आगे चलते हैं। डेरिवेटिव इज इक्वल टू डिफरेंशियल कोफिशिएंट। अरे हाँ आजकल तो वो आने लग गया ना देखा होगा आपने एक वीडियो देखा मैंने कल परसों किसी के अंदर जिसमें वो चावल जो होता है ना उसको साउथ इंडियन है कुछ लोग ऐसे ऐसे करके ठीक है ना और फिर बाद में बदला यूं करा बॉल की तरह उछलने लग गया। वो तो बॉल है वो तो प्लास्टिक है प्लास्टिक के चावल आ गए ना आजकल मार्केट में आप पता नहीं कितने कटोरी खाते थे आप दिमाग मत लगाओ ठीक है। कुछ दिन बाद तो अपने से टक करेंगे ना तो बदला प्लास्टिक की बॉडी होगी हमारी ठीक है। पुराने जमाने के लोग ऐसे करते हैं ना टन की आवाज आती है ना अब ठक की आवाज आएगी ठीक है। डिफरेंशियल कोफिशिएंट इधर दिमाग लगाते हैं ठीक है। हाँ भाई इधर डिफरेंशियल कोफिशिएंट ये ऐसा है ना ऐसा शब्द है डिफरेंशियल कोफिशिएंट जिसपे अक्सर हम हैरान हो जाते हैं। कई बच्चों सोचते हैं कोई कोफिशिएंट आने वाला अल्फा बीटा गामा ठीक है कुछ नहीं आएगा कोफिशिएंट डीवा बटी एक्स से बेटा। डिफरेंशियल कोफिशिएंट का मतलब डीवा बटी एक्स दैट इज डेरिवेटिव ठीक है ना भाई। पहली चीज खत्म अगले बात जो आप तो ठीक है। अच्छा अब डेरिवेटिव के बारे में अगर भाई देवे थोड़ा बहुत भी कहीं संदिग्धता बचती है तो वो बाकी बची मैं खत्म कर देता हूं। जैसे मान लीजिए कि किसी ने मेरे से कहा एक कर्वेचर इस है इस कर्व का नाम क्या है y इक्वल टू fx है इस fx के किसी पॉइंट पर मैंने टेंजेंट बनाया लेट से ये पॉइंट है जिसमें मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ किया ये जो टेंजेंट जहां ड्रॉ हुआ उसका अगर मैं एंगल निकालू थीटा दिख रहा है आपको थीटा इस थीटा का जिस दिन मैं टेन थीटा निकाल लूंगा तो दैट टेन थीटा विल बी इक्विवेलेंट टू डीवा बटी एक्स एंड वी कॉल इट डेरिवेटिव। डेरिवेटिव एट दैट पॉइंट सही है भाई। बस एक बार के लिए पहले स्टार्टिंग में सबसे बकवास बात हो गई अब आगे चलते हैं ठीक है नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। अब अगला लिखेगा ठीक है। अब क्योंकि बात चल रही है टेन थीटा पे इसलिए सेकेंड पॉइंट इज टेंजेंट। टेंजेंट क्या चीज है ठीक है ना भाई। टेंजेंट क्या पंगा है टेंजेंट की डेफिनेशन पूछ करके मैं आपको शर्मिंदा नहीं करना चाहता लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं तो मेरे को बता सकते हैं कि सर मुझे टेंजेंट की है ना डेफिनेशन पता है कोई मेरे को बता देगा टेंजेंट की डेफिनेशन। हालांकि ये सबसे बकवास बात है कि सर चलो तुक्का तो लगा ही लेता हूं मैं। हाँ ट्राई कर लो पहले आप। हाँ टच करते हुए निकल जाए ठीक है। देखो इसने क्लियर अपने जो भी इसके दिमाग में है बोल दिया कोई और भी अगर इसे थोड़ा और सुस्पष्ट शब्दों में बोलना चाहे। हाँ अच्छा ये थोड़ा ये सर्कल पे बैठो अब और कोई भी किसी भी कर्वेचर के लिए चलेगा या नहीं चलेगा किसी भी कर्वेचर के लिए चलेगा। हाँ बोलो तुम्हारे दिमाग में क्या है। बिल्कुल नॉर्मल के परपेंडिकुलर जो भी लाइन होगी दैट विल बी टेंजेंट।
अब मैं आपके सामने एक ऐसी डेफिनेशन बोलूंगा जो आपको कभी सोचने में नहीं आई होगी, ठीक है ना भाई। एक्चुअल में जैसे एक कर्वेचर है, अगर मुझे इसके किसी भी पॉइंट पर, लेट्स से इस पॉइंट पर अगर मुझे टेंजेंट बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा वो समझना भाई। सबसे पहले मैं आपके सामने इस पॉइंट से ऐसे एक लाइन गुजारता हूं, जैसे मैं इस तरह की एक लाइन गुजारूंगा जो इन्फिनिट लेंथ की होगी, यू कॉल इट सीकेंट, आप इसे सीकेंट बोलेंगे, हाँ या ना। अब मैं इसी पॉइंट पे से हिंज करके सीकेंट को थोड़ा नीचे की तरफ फोर्स देता हूं, अगर मैंने इसे नीचे की तरफ फोर्स दिया तो आपको पता है धीरे धीरे बाहर की तरफ आनी चालू हो जाएगी, और एक पॉइंट ऐसा आएगा जब ये बिल्कुल इससे टच करती हुई गुजर जाएगी। क्या आप ये बात समझ गए? इस दौरान ये कई और फेजेस से गुजरेगी, जब तक ये इसको क्रॉस कर रही तब तक ये सीकेंट रही, और एक पॉइंट ऐसा आएगा जब ये टेंजेंट बन जाएगी, अगर मैंने उससे ज्यादा कर दिया तो दोबारा पीसी वाली साइड से सीकेंट बन जाएगी। क्या मेरी बात समझ गए? तो टेंजेंट इज नथिंग बट लिमिटिंग केस ऑफ सीकेंट, लिमिटिंग केस, बिल्कुल लास्ट पॉइंट जो होता है ना किसी भी सीकेंट का, दैट इज टेंजेंट। एक नई डेफिनेशन आपके दिमाग में भरनी है, लिख लीजिएगा, टेंजेंट इज लिमिटिंग केस ऑफ सीकेंट। क्या आपके दिमाग में ये बात जम गई? आगे चलते हैं, टेंजेंट इज लिमिटिंग केस ऑफ सीकेंट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे आता हूं, पॉइंट नंबर थ्री, तीसरा पॉइंट लेते हैं, हाँ भाई, नेक्स्ट पॉइंट है क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी, ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी, क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है भाई, क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी। डिफरेंशिएबिलिटी की क्लासिकल डेफिनेशन, ऐसा कोई क्लासिकल क्लासिकल नहीं है, ये एक्चुअल में पुराने जमाने में लोगों ने सोच करके दिमाग लगाया, उसी को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। एकदम सीधे सीधे शब्दों में रख रहा हूं अपनी बात को, क्योंकि मेरे को पता है जितना ज्यादा मैं कॉम्प्लेक्स करूंगा ये ऑलरेडी कॉम्प्लेक्स है, तो कहीं घूम ना जाओ, ठीक है ना। ये कर्वेचर बड़ा है, थोड़ा उधर भी बढ़ा देता हूं, ठीक है, ये कर्वेचर है, इसके किसी पॉइंट पर हम लोगों ने वही सीकेंड सीकेंड वाला गेम खेला, ठीक है, मैंने एक सीकेंड ये खींची, ठीक है, ये एक सीकेंड है, लेट्स से दिस पॉइंट इज, अगर बाय द वे एक्स एक्सिस पे देखा जाए तो इट इज एक्स इज इक्वल टू ए, ये वाला पॉइंट क्या है, एक्स इज इक्वल टू ए। मैंने धीरे धीरे इस पॉइंट पे इसको टर्न कराना चालू करा, जब मैं इसको टर्न कराते कराते बिल्कुल इसको लास्ट पॉइंट तक ले आया हूंगा, ठीक है ना, जब मैं इसको लास्ट पॉइंट तक ले आया हूंगा तो ये कुछ इस तरह से जा रहा होगा, इसके जस्ट बाद में ये हल्का सा भी इधर करते ही बाहर आ जाएगा और टेंजेंट बन जाएगा। आप यहां तक की बात समझ गए, ठीक है ना भाई। तो ये जो आखिरी पॉइंट है ना, इस पॉइंट को क्योंकि ये ए है, ठीक है, और ये बिल्कुल इसके क्लोज है, मेरे डायग्राम से नहीं लगेगा लेकिन ये बिल्कुल इसके क्लोज है, तो मैं इसे ए प्लस एच कह देता हूं। क्या आप ये बात समझ गए? अच्छा, अभी आप मेरे को बता दो, मैं इस पॉइंट के राइट में खड़ा हूं या लेफ्ट में खड़ा हूं? राइट में खड़ा हूं, इसलिए जो भी मेरी तरफ से जो टेंजेंट बनेगी वो राइट एंड टेंजेंट कहलाएगी। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? और टेंजेंट माने डेरिवेटिव होता है, क्योंकि टेंजेंट थीटा इज डेरिवेटिव, तो ये राइट एंड डेरिवेटिव की बात कर रहा हूं जो भी मैं कर रहा हूं। क्या आप मेरी बात यहां तक भी समझ रहे हैं? अगर आप टेंजेंट थीटा की बात भी समझ रहे हैं तो मैं अब आपके सामने दूसरी बात रखता हूं। आपको पता होना चाहिए मेरे लिए कर्वेचर आज भी y इज इक्वल टू एफ एक्स है, तो अगर मैं x की जगह ये रखता हूं तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट चमचमाते हुए a कॉमा f ऑफ a। क्या आपको बात समझ में आई? x की जगह a और y की जगह f a, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो है वो मेरे को क्या दिखने लग गए, a प्लस एच कॉमा एफ ऑफ ए प्लस एच। यहां तक किसी को तकलीफ हो तो बोलिए, क्या आपको यहां तक की बात पकड़ में आ गई? अगर आपको यहां तक की बात पकड़ में आ गई तो बस इसका जो भी हल्का सा भी मैंने इसको हल्का सा भी ट्विस्ट किया, ट्विस्ट करते ही अब ये टेंजेंट बन जाएगी, और वो राइट साइड की टेंजेंट होगी, इसलिए मैं उसे राइट एंड टेंजेंट या राइट एंड डेरिवेटिव नाम दूंगा। बड़े ध्यान से मेरे शब्दों पे गौर करना, आप याद करते रहना भाई कि क्या क्या बोला, तो आप में से किसी को अगर एतराज नहीं हो, ये साइड लिख ली ना आपने? हाँ भाई, अगर मैं बात कर रहा हूं किसकी, राइट एंड डेरिवेटिव, लिख दो भाई, राइट एंड डेरिवेटिव को मैं नाम दे रहा हूं, राइट एंड डेरिवेटिव को आर एच डी ले लू। अच्छा, अब मैंने राइट एंड टेंजेंट की बात करी तो मैं आपके सामने लिख रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनना, क्यों, क्योंकि मैं लिमिटिंग केस की बात कर रहा हूं, टेन थीटा इज लिमिटिंग केस ऑफ सीकेंट, ठीक है। तो मैं आपके सामने पहले लिखता हूं लिमिट एस टेंस टू जीरो,
अब धीरे धीरे एच को मैं जीरो की तरफ लेके जा रहा हूं, क्योंकि ये जो गैप है ना यही एच है, नहीं है आपको समझ में? याद है ये ए है, ये ए प्लस एच है, किसका मतलब ये गैप एच है। जैसे जैसे मैं एच को जीरो की तरफ ले जाऊंगा ये धीरे धीरे बाहर आ जाएगा, क्या अभी बात समझ गए? जिस दिन ये बाहर आ जाएगा एच बिल्कुल इसके क्लोज आ चुका होगा, नहीं है आपको मेरी बात समझ? बिल्कुल इसके क्लोज आ जाएगा और एक बिल्कुल ऐसा पॉइंट होगा जहां पे ये दोनों बिल्कुल बराबर होंगे। अभी भी नहीं है, ये ए प्लस एच सरकता जा रहा है धीरे धीरे, पहले ये ए प्लस एच यहां था, फिर ये प्लस एच यहां आ गया, मैं जैसे जैसे इसको सरकाता जा रहा हूं ये धीरे धीरे सरक करके यहां आ जाएगा। एक बीच का केस ऐसा भी हो, लेकिन वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा डायग्राम में, उसे खराब नहीं करना चाहता। लेकिन आप में से कोई समझ रहा है तो धीरे धीरे आपको पता होगा ये एच में धीरे धीरे छोटा करता जा रहा हूं, और एक पॉइंट ऐसा आएगा जब एच बिल्कुल मिनिमाइज हो जाएगा, एच टेंस टू जीरो हो जाएगा। यहां तक बात समझ में आ गई? अच्छा, अगर आपको ये समझ में आ गया तो लिमिट एच टेंस टू जीरो, अब मैं जो लिख रहा हूं वो सोचना। ये लिखा जा रहा है एफ ए प्लस एच माइनस में एफ ऑफ ए डिवाइड बाई नीचे ए प्लस एच माइनस ए। ये क्या लिख दिया मैंने, किसी को स्ट्राइक करा? मैंने लिखा y2 टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। क्या आपको याद है टेन थीटा का फार्मूला? बस मैंने वही लिखा है, लेकिन थोड़ी देर बाद आप मेरे को कहोगे सर ये हटा लो आप, क्या आपको बात पता चली? मैंने y2 टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन ही लिखा है, और ये जो भी आया है मेरे लिए फार्मूला बन गया लाइफ लॉन्ग। एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस में कितना एफ ऑफ ए और डिवाइड बाई नीचे कितना एच। अगर आप यहां से समझ गए तो बहुत बढ़िया। अब मैं दूसरी साइड से समझा रहा हूं, वो भी समझना आप, रेडी है ना? अगर मैं इस साइड की सिकंड लेता तो सिकंड यू होती, सही भाई? फिर थोड़ी देर बाद मैं इसको भी सरकाता, अगर मैं इसे सरकाता तो धीरे धीरे ये सरकते सरकते यहां आ जाती, सही है? मैं इस पॉइंट को थोड़ी सी देर के लिए आपको गिना दूं, ये वाला पॉइंट इज ए माइनस एच, और जैसे ही मैं थोड़ा बी बाहर लेके जाऊंगा मुझे पता चलेगा ये एक टाइम ऐसा आएगा जब ये ऐसे जाने लग जाएगी। क्या आप ये बात समझ गए? नहीं आया? अब अगर आपने ध्यान से देखा तो इसके जस्ट नीचे एक पिंक कलर की लाइन भी है जो कि इस वाले की लाइन थी, इसका मतलब ये लाइन और येलो वाली लाइन एक ही हो गई। ये दोनों लाइनें कैसी हो गई? एक ही हो गई, एक ही बन गई, माने इधर का टेंजेंट और इधर का टेंजेंट दोनों बराबर आ गए। अगर आपको ये बात समझ आ गई इसका मतलब ये कि इधर वाले टेंजेंट की स्लोप और इधर वाले टेंजेंट की स्लोप इक्वल हो गई। खैर फिलहाल इतनी गहराई में बातें ना तो आपको पसंद है ना मुझे, ठीक है? ये तो हो गया ए माइनस एच। अच्छा, अब की बार अगर किसी ने मुझसे LHD पूछा तो LHD इज इक्वल टू कितना? लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस में एफ ऑफ ए डिवाइड बाई कितना ए माइनस एच माइनस ए। कितने लोगों को यह पता है कि यहां पर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या क्या है? ए माइनस एच, ये तो x की वैल्यू होगी, कॉमा एफ ऑफ ए माइनस एच। क्या आपको ये पता है फॉर्मूला कौन सा चल रहा है? y2 टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। लिमिट एच टेंस टू जीरो क्यों लिख रहा हूं? h को मिनिमाइज करने के लिए, ताकि हम बाहर आ जाए, राइट है? और ये a और a कैंसिल आउट हो गया, इसलिए मेरे को क्या पता चल रहा है? लिमिट एच टेंस टू जीरो f ऑफ a माइनस h माइनस में f ऑफ a डिवाइड बाई माइनस h। और अपने को इस माइनस h को बना के रखना, हमेशा h कभी मत होने देना, ठीक है? इस माइनस h को बना के रखना। और आगे से हम लोगों के लिए पहले यहां तक डायग्राम पहले कॉपी कर लो फिर ताकि मैं अपनी बात कर दूं। पहला पॉइंट डिफरेंशिएबिलिटी, इसका मतलब होता है यूनिक टेंजेंसी, ठीक है? पहली बात। दूसरी बात, हाँ भाई कितने लोग मेरे को इसमें बता देंगे ये कितनी लाइन है? दो, एक इधर का टेंजेंट एक इधर का टेंजेंट, लेकिन दोनों की स्लोप बराबर है, दोनों की स्लोप बराबर है, पता ही नहीं चल रहा है एक ही लाइन दिख रही। क्या आपको बात समझ में आई? जिसमें जो इधर की लाइन है, ठीक है, वो है आर एच डी, सही भाई? और जो इधर की लाइन है वो है एल एच डी। तो एल एच डी इज इक्वल टू RHD, ठीक है? LSD is equal to RHD. तो कहना मतलब ये कि किसी भी एक पॉइंट पर एक टेंजेंट का बनना, इसका मतलब फंक्शन इज डिफरेंशियबल, ठीक है? मैंने ये लिखा है डिफरेंशियबिलिटी का मतलब होता है यूनिक टेंजेंसी, ठीक है? अब जिन्हें ये समझ में आया ही नहीं कि सर क्या कह रहे हैं, है ना, वो इसलिए नहीं आया क्योंकि मैंने कोई ऊटपटांग बात नहीं बोली। जैसे ही मैं कोई उल्टी बात बोलूंगा ये बात तुरंत समझ में आ जाएगी,
कैसे आएगी देखें। जैसे मान लीजिए किसी ने मेरे को कहा कि सर साइन एक्स का ग्राफ, मॉड साइन एक्स के जैसा ग्राफ एक मैं बना रहा हूं, आप में से कोई मेरे को बताएगा इस पॉइंट पर अगर मैं टेंजेंट बनाता हूं तो इस कर्व के सारे सारे जाएगा, और अगर मैं इस कर्व के सारे सारे बनाता हूं तो यूं जाएगा? कोई मेरे को बताएगा एक ही पॉइंट पर कितने टेंजेंट बन गए? दो टेंजेंट बन गए, जिसमें ये वाला साइड इज RHD और ये वाला साइड इज LHD। क्या ये दोनों इक्वल है? क्या ये दोनों की स्लोप इक्वल है? क्या तो आप यहां पे कह दो LHD इज नॉट इक्वल टू RHD, हेंस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशियबल। कहने मतलब फंक्शन इज नॉट डिफरेंशियबल, और अगर फंक्शन अपने आप में डिफरेंशियबल नहीं है इसका मतलब LHD is not equal to RHD। इसीलिए हम लोग इसे शार्प कह करके काम चला लेते हैं। गरीब बच्चों को तो शार्प याद कर रखा है, दो टेंजेंट याद करता है, ठीक है ना? हाँ भाई लास्ट पॉइंट है ना, कुछ नहीं बस मेरे को तो सिर्फ इतना से याद दिलाना है, ठीक है? RHD को हम लोग एक मिनट के लिए बस थोड़ा सा मेरे को बताया आप भी उतनी जल्दी में जितनी जल्दी में। RHD को हम लोग F-A+ बोलते हैं, ध्यान से सुन लेना भाई। RHD को क्या बोलते हैं? F-A+ का नाम सुनते हैं आप लिखना सीख जाओ, लिमिट एस टेंस टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाई एच। ये फार्मूला है, रटना है, चैप्टर यही है, चैप्टर यही है। ये नहीं कि इसके सिवा सब कुछ याद है सर मेरे को, यही है। LHD बोले तो F-A- विद नोटेशन याद रखना है, ठीक है? F-A- लिमिट एस टेंस टू जीरो एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस में एफ ऑफ ए डिवाइड बाई माइनस एच, सही है? अच्छा एक और बात, पॉइंट नंबर ये तो बात चार, पॉइंट नंबर पांच, इफ फंक्शन इज डिफरेंशियबल एट x इज इक्वल टू a, अगर कोई भी फंक्शन x इज इक्वल टू a पे डिफरेंशियबल है तो LHD इज इक्वल टू RHD इज इक्वल टू F-A होगा। ये F-A कौन आ गया, ठीक है? डेरिवेटिव। इसका मतलब F-A का कोई फार्मूला है क्या? नहीं, इसका कोई फार्मूला नहीं है, ये दोनों के बराबर है, इनमें से किसी का भी फार्मूला ले लेता है। कल को कोई बोले F-A का क्या फार्मूला है तो नॉर्मली लोग RHD को प्रेफर करते हैं क्योंकि इसमें प्लस आता है ना, लोगों को अच्छा लगता है, नीचे माइनस अच्छा नहीं लगता। बहुत देर तक क्रिकेट माइनस हटा दू क्या, ठीक है ना? तो इसीलिए उसको रोक के रखते हैं कि F-A की जरूरत पड़े F-A+ ले लेना बेटा काम में। समझ में आया? F-A बोले तो इतना, लेकिन कुछ लोग क्रांतिकारी होते हैं ना जो, ठीक है, वो याद रखें ये क्रांतिकारी फार्मूला है साहब। लिटरली से मैं यही नाम से पुकारता हूं कई सालों से, ठीक है? क्रांतिकारी फार्मूला ये क्या है सुनो आप, F-A का एक और फार्मूला भी है लेकिन वो हिडन है, ये किसी किसी जगह जबरदस्त काम आता है। F-A इज इक्वल टू द लिमिट x टेंड्स टू a fx माइनस f ऑफ a डिवाइड बाई x माइनस a। ये कैसे आया, ठीक है? सुनना और समझना। आप में से कितने लोगों को पता है x की जगह मुझे क्या रखना है? a x की जगह ये रखो, क्या बन गया? f a माइनस f a, नीचे x की जगह ये रखो, जीरो बाय जीरो में क्या करते हैं? लॉपिटल। इसका डिफरेंशिएशन f-x, इसका डिफरेंशिएशन जीरो कांस्टेंट है ना, इसका डिफरेंशिएशन, और इसका 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 जीरो, तो क्या बचा f-x और x की जगह a, क्या बन गया? वो भी उधर लिखा है, आया समझ में? तो कई बार हम लोग ये फार्मूला यूज करेंगे लेकिन ये फार्मूला वो नहीं है F-A का, और जो एक्चुअल फार्मूला वो ये है। लेकिन यूज ये भी IIT इसको जबरदस्त यूज करता है, उसको पता है बुक्स में नॉर्मली नहीं मिलता लेकिन वो यूज करता है, क्यों? क्योंकि उसे पता है क्वेश्चंस में मिलता है कहीं ना कहीं। याद रखना इंपॉर्टेंट, इक्वल है दोनों, हालांकि हमारी शीट पूरी F-A इज इक्वल टू इस पे रन हो जाएगी लेकिन IIT शैतान है, उसे IQ वाले बच्चों की तलाश है, ठीक है ना भाई? हाँ तो याद रखना ये भी काम की चीज है, ठीक है? क्रांतिकारी फार्मूला हो गया, बाकी शेष अपन बाद में करते हैं।